माय नेम इज मनिका सांभूर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपकी लाइफ के उन पास्ट के पेनफुल मेमोरीज के बारे में, कि आप कैसे उन पेनफुल मेमोरीज से बाहर आ सकते हैं। यू नो, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट में पेनफुल हुआ होता है, कोई ना कोई ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमें दर्द देती हैं। देर आर पीपल हु टॉक अबाउट दोज मेमोरीज एंड दे अगेन स्टार्ट क्राइंग। अगर वो 10 ईयर्स बाद भी उस चीज़ को बोलते बोलते रो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट हील्ड। अगर हम अपनी स्टोरी बताते हुए अगर हम रो रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट कम्प्लीटली हील्ड। तो हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन इट ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपको उन मेमोरीज से बाहर आना है, इफ़ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट पेन, देखो मेमोरीज तो आप नहीं इरेज कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल कि जो इवेंट हुआ है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, बट यू कैन हील योर सेल्फ। आप अपनी उस पेन को रिड्यूस कर सकते हैं या कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करना है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपके घर में एक मरा हुआ चूहा है, कोई डेड रैट है किसी रूम में, और आपको बहुत परेशान कर रहा है वो बिकॉज ऑफ द स्मेल, द बैड स्मेल ऑडर ऑफ दैट रैट। यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू लिव प्रॉपरली। तो आप क्या करेंगे? एक सोल्यूशन है कि आपने उस रूम में रूम फ्रेशनर लगा दिया, आपने बहुत सारा स्प्रे कर दिया डिओड्रेंट का, परफ्यूम का, जस्ट टू इरेज दैट स्मेल। बट आपको लगता है क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? जब वो रूम फ्रेशनर की जो स्प्रे है वो जब ख़त्म हो जाएगी, तो आपको बार बार फिर वही करना पड़ेगा कि आपको अगेन एंड अगेन आपको वापस से डिओड्रेंट या रूम फ्रेशनर स्प्रे करने पड़ेंगे। तो अगर आप इसके बजाय उस डेड रैट को परमानेंटली निकाल दें अपने घर से, उसे उठा के फेंक दीजिए, तो आप उस स्मेल से बाहर आ सकते हैं। हम कई बार अपने माइंड के साथ ऐसा ही कुछ करते हैं। कई बार हमें पेन होती है, इवन इफ इट्स अ फिजिकल पेन, लेट्स से आपकी एक टूथेक हो रहा है, अब आप चाहते हैं कि आपको वो फील ना हो, तो आप क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू एज ह्यूमन बींग्स इज वी डाइवर्ट आर माइंड। हम अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं किसी ना किसी काम में, हम अपने आप को बिजी रखते हैं कि ठीक है लेट मी गो फॉर अ मूवी इफ इट्स पेनिंग राइट नाउ। तो वो जो 3 आवर्स 4 आवर्स जो भी आप एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, आप उस टाइम पे तो भूल जाते हैं उस पेन को, आपको वो पेन फील ही नहीं होती है बिकॉज योर माइंड इज समवेयर एल्स। बट आफ्टर सम टाइम जब वो मूवी फिनिश हुई या फिर आप अकेले हैं, आपको वापस से वही थॉट्स आने स्टार्ट होते हैं और आप फिर से उसी साइकिल में चले जाते हैं एंड यू अगेन स्टार्ट फीलिंग दैट पेन फ्रॉम इनसाइड। तो अगर आपको उस चीज़ से बाहर आना है परमानेंटली, इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक आउट दैट पेन परमानेंटली फ्रॉम योर माइंड एंड थ्रो इट अवे। तो एक सोल्यूशन है कि जब आप डीप मेडिटेशन कर रहे हो, आप मॉर्निंग में जैसे साइलेंस में बैठे, तो आप पहले उस पेन को कम्प्लीटली विजुअलाइज कीजिए, उस सीन को जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं आपको लगता है कि होना चाहिए था, या आप उसे लेके बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, उस चीज़ को पहले पूरी तरह से विजुअलाइज कीजिए। अब आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आप उस सीन को हमेशा के लिए थ्रो करें, यू आर एक्चुअली बर्निंग दैट इवेंट अवे। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कोई फायर लग रही है उस इवेंट पे, उस नॉइज़ को भी सुनिए, उस साउंड को जो उस दिन जब वो इवेंट हुआ, तो कैसा आप सुन रहे, क्या आप सुन रहे थे, कैसा आप फील कर रहे थे, कैसा एनवायरनमेंट था, और उसे पूरी तरह से बर्न कर दीजिए, उस इवेंट को बर्न करना है। अगर किसी जने के साथ ऐसा सीन हुआ है, तो डोंट जस्ट विजुअलाइज दैट पर्सन लाइक दैट, यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज दैट इवेंट एंड यू हैव टू परमानेंटली बर्न दैट इवेंट, पूरी तरह से उसे फिनिश कर दीजिए, एंड देन विजुअलाइज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो सबसे अच्छा दिन था आज तक का, उसे अपनी बंद आंखों से देखिए, उसे फील कीजिए, वो साउंड्स को सुनिए, वो इमोशंस को वापस से फील कीजिए जो उस दिन आपने किए थे फील, एंड देन जस्ट इन्जॉय दैट मोमेंट, प्लेजर लीजिए उस दिन का जिस दिन में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, जिस दिन को आपने पूरी तरह से जिया था, एंड देन स्लोली स्लोली ओपन योर आइज। तो रोज़ आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आपको उस पर्टिकुलर इवेंट को परमानेंटली इरेज करना है और एक फ्रेश इवेंट जो बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ था उसको वापस से विजुअलाइज करना है। और आप जो एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये है कि जब भी आप कुछ थ्रो कर रहे हैं, लेट्स से यू आर थ्रोइंग द गार्बेज, आप कूड़ा डाल रहे हैं डस्टबिन में, तो आप अपने माइंड में ऐसा विजुलाइज कीजिए जैसे आप उस पास्ट पेनफुल इवेंट को
थ्रो कर रहे हैं, वेन एवर यू थ्रो समथिंग या आप स्पिट कर रहे हैं, तो आप उतनी बार ये सोचिए कि आई एम थ्रोइंग दैट पेन ऑफ माइंड. वो इवेंट कभी भी आपकी लाइफ से नहीं जा सकता. मेमोरीज तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप फॉरगेट कर दें उस चीज़ को, बट यू कैन रिड्यूस द पेन ऑफ इट बाय एक्चुअली डिलीटिंग इट फ्रॉम योर हार्ट. आप उससे वो मेमोरी, उस पेन की मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं, उस पेन को डिलीट कर सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग इट दैट नाउ यू हैव डिलीटेड इट परमानेंटली फ्रॉम योर लाइफ. या फिर जब आप डीप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस इवेंट को विजुअलाइज करके ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपके हैंड में एक इरेजर है एंड यू आर इरेजिंग इट फॉर एवर. इरेज कर दीजिए पूरी तरह से एंड देन ब्रिंग अ फ्रेश मेमोरी इन योर माइंड. सो ट्राई एंड डू दिस एवरी सिंगल डे और धीरे धीरे आपको लगेगा कि एक्चुअली आपकी पेन कम हो गई है. तो आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट फील दैट इमोशनल कि आप अपनी स्टोरी बताते हुए रो पड़ेंगे. नो, यू विल फील एटलीस्ट बेटर देन बिफोर. सो ट्राई एंड डू दिस एक्टिविटी एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.